प्रेम आदर स्नेह भल पाइबा ए किछि जिनिस काहाकु भी बदली दे पारे का मध्यर गोटे खराब जिनिस को बाहर करी केवल भल जिनिस ही भरी दे पारे। प्रेम निश्चित भावरे आदर निश्चित भावरे अंगुलीमाल को भी बदली दे थला चंडाशोक को भी बदली दे थला। तेणु जदि आपण जीवन रे भी सेमती कई अछंती एही कहानी माध्यम रे आपण माने भी बुझी परिबे भल पाइबा प्रेम स्नेह आदर कौन कौन सब करी पारे। नमस्कार मु सनी स्वागत करुछी आपण मानकु 91.9 सिद्धार्थ एफएम रो समस्त सोशल हैंडल्स को पुणी थरे स्टोरी टाइम सेगमेंट रे आउ गोटे सुंदर जीवनधर्मी कहानी सहित मु हाजर। आज जो कथाटी कहुछी सेटा संपूर्ण भाव सत्य घटनाटी। इथियोपिया आफ्रिकार गोटे अंचल तेबे से अंचल रे जणे व्यक्ति रहुथिले तांको गाँव रे हेटा बाघ बा हाइना मानकर प्रबल दौरात्म्य थिला। जेहेतु तांको गाँव टी जंगल मझीरे गढ़ी उठीला तेणु हेटा बाघ माने तांको गाँव को पशि आसुथिले। हेटा बाघ माने सबुबेले राति अधरे आसिकी तांको गाँव रे केतेबेले मनीष मानकु शिकार करुथिले तो केतेबेले पशु पक्षी मानकु शिकार करुथिले। एमितिया गोटे रीतिमत चलीला हेटा बाघ मानकर सेमाने गाँ भीतर को पशि आसंती एवं निज पेटर भोक को शांत करी पुणी थे जंगल भीतर को चली जाती। अनेक समय केतेबेले मनीष शिकार होते तो केतेबेले मनीषों द्वारा यही हेटा बाघ माने शिकार होते जहाँ फल गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होता। हेटा बाघ टे मनीष को मारिकी खाइबाटा निश्चित भाव गोटे नृशंस कथा। से भाई भाव में मनीष मैंने विलुप्त प्राय प्राणी को मारिदेवा सेटा भी किसी भल नुह। तेणु यही व्यक्ति जनक किसी गोटे उपाय पांचिले से उपायटी को शुणिकी से अंचल समस्ते हसिले। उपायटी यहजे से प्रत्येक दिन बजार रु किसी मंस पुटा आणिकी से हेटा बाघ मान खाइवाक देवे जहाँफल पेट भरिकी रहा मनीष कि पशु पक्षी को जो मैंने गृह पालित होते कि हईराण करे कि मारे ना। प्रथम प्रथमे तांको कथा उपरे समस्ते हसिले। पाखापाखि 15 दिन पर्यंत से प्रत्येक दिन बजार मांस दोकानरु पुटा गुड़िक किणी आणिकी से हाइना मानकु दबाकु बा हेटा बाघ मानकु दबाकु चेष्टा करुथिले किंतु केही हेले भयरे तांको पाखकु आसंती नाही। 15 दिन परे धीरे धीरे परिस्थिति बदलिला। कारण कोन जानंती जे निजे कोनोसी परिश्रम करिवारे हेला करंती नाही सेमानकु स्वयं भगवान मध्य सहाय्य करिया को ओल्लै आसंती। जहाँ घटीला से व्यक्ति क्षेत्र में हेटा बाघ माने धीरे धीरे तांको उपरे विश्वास करिकी तांको निकट को खाइए को आसिले एवं प्रत्येक दिन से पाखापाखी 20-30 जन हेटा बाघ को एमती मांस खाइए को देले। धीरे धीरे जंगल सबु हेटा बाघ तांको निकट को संध्या बेले आसीबार गोटे अभ्यास करदेले एवं तांकरी पाखरे खाई देकी सीधा सळख जंगल भितर को चली गले। धीरे धीरे हेटा बाघ माने आ मनीष किंबा गृहपालित पशुपक्षी मानकु शिकार कले ना तेणु मनीष माने हेटा बाघ को मारिबार कौनसी कारण रहिला ना। धीरे धीरे परिस्थिति एभली बदली गला जे एबे से अंचल रे हेटा बाघ सते जेमिति मनीष मानकर बंधु पलटि जाइछन्ति एवं सेमाने एकाठी चलप्रचल होउछन्ति। एहा द्वारा आउ गोटे भल कथा हला कोन जानिछन्ति आफ्रिकार से अंचल रे रोजगार केही करि पारु नथिले किंतु एभली दृश्य को देखिबाकु एवं निजे तांको पाखरे बसिकी हेटा बाघ मानकु खुआइबाकु गोटे पर्यटन शिल्प भाव से माने आविष्कार करिछन्ति जहाँफल एबे समस्ते सेठारे रोजगारक्षम मध्य। कथार माने आपण बुझिपाइले प्रेम जदि जंगली हिंस्र पशु मानकु बदली दे पारुछि तेबे आमे मनीष केते दूर रे रहिले। जदि आपणकर भी काहा सहित टिके झगड़ा झाटी हो जाइछि बच्चसा हो जाइछि तांको सहित कथा हो पारुनांति प्रेम भरा शब्द दुटा थरे कहिया को चेष्टा करंतु देखिबे तांको मन परिवर्तन हबो। जदि आपण माने प्रेम बांटिबे तबे निश्चित भाव में आपको स्नेह और आदर रिटर्न मिलिव। जदि कहानी भल लगी सत्य घटना उपरे जहाँ थी तबे निश्चित भाव में कमेंट्स मध्यम जनइबे समस्त को प्रेम बांटिया को चेष्टा करेंगे। मत भल पाइबा देवे मो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो शेयर करने सहित मो इंस्टाग्राम हैंडल RJSunny919 को फॉलो करेंगे। सब शुणु था सिद्धार्थ FM प्यार से बजाओ सिद्धार्थ FM मजा ही मजा। नमस्कार।